हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन की इन सारी चीजों में से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके नाम से जाहिर है कि ये इंटीग्रेशन टुकड़ों में होगी और इसका एक खास स्टाइल है इसको प्रोसीड करने का। पहली चीज ये है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंसिएशन। हमें इसकी नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, हाउ दोज पीपल केम अबाउट दिस, वो किस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, वो हमारा भी कंसर्न नहीं है। लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। दूसरी चीज ये है कि इट वर्क्स फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स। अब वो दो फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, अब गौर से देखिएगा। इट कुड बी एलजेब्रा, इट कुड बी एक्सपोनेंशियल। इट कुड बी एलजेब्रा, इट कुड बी ट्रिग्नोमेट्री, इट कुड बी एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री, इट कुड बी एलएन एंड एलजेब्रा, इट कुड बी एलएन एंड अ कॉन्स्टेंट। These are the different types that we use. और इसमें एक खास, यानी दो अलग अलग, क्या कहना चाहिए, ट्राइब से, कबीले से, अ कैटेगरी से वो बिलोंग करते। ये एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रिक अलग है, एक्सपोनेंशियल ट्रिक का कोई ताल्लुक नहीं है, एलएन एलजेब्रा का कोई ताल्लुक नहीं है, एलएन कॉन्स्टेंट अलग अलग है। So these are the five major ones that we use. Or product hona zaruri hai. It does not work for a quotient. Uske baad, iska jo formula hai, wo ye hai, u dv, that is u v minus integral v du. ठीक है, देखने में अजीब सा लगता है लेकिन बहुत आसान। किसी एक को यू लेंगे, क्या कंडीशन है, क्या प्रेफरेंस है, वो हम तजुर्बे से सीखेंगे, रट्टे नहीं मारेंगे। और किसी एक को डीवी लेंगे, असूल याद रखिएगा, जिसको यू लेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको डीवी लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, व्हाटएवर वी टेक एस यू वी विल डिफरेंशिएट इट, whatever we will take as dv we will integrate it and somehow somewhere along the line we will have this and this and this and this. ye char cheeze aapke paas aa jayegi, theek hai? ab yahan par kis andaaz se karenge, everybody has their own style of teaching it. I'll teach it according to the way ke mere jo ustad ne mujhe sikhaya tha main us tarike se aapko sikhaunga. वो तरीका ये है कि आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसी से मैं बताते जाऊंगा। वर्क एग्जाम्पल वन, पहली एग्जाम्पल है एक्स ई एक्स डी एक्स। किसको यू ले, दैट इज द गोल्डन मिलियन डॉलर क्वेश्चन, किसको यू ले, द वन दैट इज इजियर टू डिफरेंशिएट उसको यू ले ले। अब आप कह सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है एक्स को डिफरेंशिएट करना, इसका डेरिवेटिव वन हो गया। ई एक्स को कौन सा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, इसका डेरिवेटिव ई एक्स हो गया। लेट मी रिफाइन माय क्वेश्चन, उसको यू ले जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो और वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाए। सो लेट मी राइट द वर्ड फेड अवे, जो गायब हो जाए, जो एक्स से कॉन्स्टेंट बन जाए, जो एक्स स्क्वायर से एक्स बनकर कॉन्स्टेंट हो जाए, जो फेड अवे हो जाए, दैट शुड बी टेकन एज यू। सही है? अब मैं क्या करता हूं,
अब मैं लिखता हूं यू जो है वो एक्स है, जो बाकी बचेगा वो डीवी है। इसलिए के फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एक नजर देख लेते। एक हिस्सा यू है, बाकी बचेगा वो डीवी है। अब मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, जिसको यू लेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको डीवी लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां मैंने लिखा डी यू इज वन डी एक्स। टेक्निकली ये क्या था, ये था डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन। सो डी यू इज वन डी एक्स एंड वी इज ई एक्स। हम लोग सी वगैरह की फिक्र नहीं करते। देर आर सम ऑफ यू, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेट सिंपथाइजर्स ऑफ सी, इतनी फिक्र नहीं करें, इतनी इसकी चिंता नहीं करें। सी वुड कम एट द वेरी वेरी एंड। फिर से सुने मैंने क्या किया, ये समझ लेंगे, ये सात एग्जाम्पल या छह एग्जाम्पल समझ लेंगे, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। जिसको यू लिया उसको डिफ्रेंशिएट किया, जिसको डी वी लिया इसको इंटीग्रेट किया, ये हो गया। फिर से फॉर्मूला में जाएं, बस दिस इज द लास्ट टाइम वी आर लुकिंग एट द फॉर्मूला, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो मैं मेथड बता रहा हूं उसी से काम हो जाएगा, फॉर्मूला की जरूरत नहीं। दैट इज यू और वी को मल्टीप्लाई करें, वी और डी यू को मल्टीप्लाई करें, मगर इससे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। मैं जहां तेज बोलूंगा वहां पे स्पीड ऐसा करके देख लीजिएगा, बट समटाइम्स इमोशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। यू और वी इसको मल्टीप्लाई किया, मजा इसी तरीके से आता है। वी और डी यू इसको मल्टीप्लाई किया, इससे पहले माइनस इंटीग्रल लगाया। सो देयरफॉर यू और वी को मल्टीप्लाई करेंगे, वी और डी यू को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल का निशान लगाएंगे। सो दैट्स हाउ इट गोज, यू वी वी डी यू माइनस इंटीग्रल। अब देखिए क्या आता है, अब ये आया है दिस इज एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स इंटू वन डी एक्स। यहां तक सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए कहते हैं कि कुछ हिस्सा इंटीग्रेट हो गया, उस टेक्निक से आपको पता नहीं चला। अब जो हिस्सा जहां इंटीग्रल साइन है उससे जान छोड़ा है, तो इंटीग्रल साइन से जान छोड़ाएंगे तो क्या होगा, एक्स ई एक्स आ गया, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स आ गया। एंड ओवरऑल कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एम्फसाइज करने के लिए उसको बड़ा करके लिखें, दैट इज सी। इज दिस थिंग क्लियर? पहला क्वेश्चन इसको एक्नॉलेज करें, इज इट ऑल क्लियर? क्वेश्चन नंबर वन, वर्क एग्जाम्पल वन। कोई चीज में डाउट है पूछ लें, क्योंकि आगे चल के यही चीजें मुझे करानी है। सही है माशाल्लाह से। अच्छा ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा अब आगे बढ़ते। अच्छा यहां पर अगर आपके लिमिट्स होते, सो यू वुड प्लग इन लिमिट्स एट द वेरी वेरी एंड, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब आ जाए वर्क एग्जांपल टू पे। सो वो था वर्क एग्जांपल वन, अब आते हैं वर्क एग्जांपल टू। एक्स कोसाइन एक्स डी एक्स, मेरा वही सवाल है, किसको यू लेना चाहिए, जो डिफरेंशिएट करने में आसान हो। एक्स को वन बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बनेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो डिफरेंशिएट करने में आसान हो, जो कांस्टेंट बन जाए, जो फेड अवे हो जाए। अच्छा यहां पर इसका जो एक पैटर्न होता है वो मैं पांच छह एग्जांपल्स के बाद बताऊंगा। सो लेट मी गो इट दिस वे। आपने यू लिया, इसको एक्स लिखा, आपने डीवी लिखा, कोसाइन एक्स डीएक्स। जिसको यू लिया उसको डिफरेंशिएट करें, जिसको डीवी लिया उसको इंटीग्रेट करें। कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव साइन है, फॉलो द एरोस। सो देयरफॉर दिस इज एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन एक्स प्लस सी, दैट इज एक्स साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स प्लस। ये दो बेसिक एग्जांपल्स मैंने कर दी, ठीक है, टुक टुक करके छह सात एग्जांपल्स चलते।
तीसरी एग्जाम्पल यहां पे कर सकता हूं, बट आई विल डू इट द अदर पेज, ऑन द अदर पेज। अब आ जाए तीसरी एग्जाम्पल में। अच्छा जी, आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस कलर, लेट मी चूज सम अदर नाइस कलर। और यहां पे मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है, वर्क्ड एग्जाम्पल थ्री। इसमें मैं लेता हूं, क्या कहेंगे, एक्स ln x dx। अब एक छोटा सा मसला है, वो मसला ये है कि मुझे ln का डेरिवेटिव मालूम है, ln का इंटीग्रल मालूम नहीं है। सो नाउ द टेबल्स आर टर्न्ड, दिस इज अ यूनिक सिनेरियो। तो इस यूनिक सिनेरियो के अंदर हम ये करते हैं, नाउ टेक u as log function, so u is equals to ln x, dv is equals to x dx, du is equals to 1 over x dx, v is equals to x square over 2, sahi hai? Achha ji, ab look at the arrows, multiply kiya, formula to ab aap bhool hi gaye, ye formula hi istemal kar rahe hain, bhool nahi gaye, usko organize kar diya, theek hai? So therefore this is x square ln x over 2 minus integral 1 over x into x square over 2 dx. गौर से देखेगा, आराम से देखें, एक एक स्टेप जहन में उतारे, डाइजेस्ट करें, डाउट हो क्लेरिफाई करें। सिर्फ और सिर्फ नया सिनेरियो क्या था कि सिंस वी नो के ln का डेरिवेटिव हमें मालूम है, ln का इंटीग्रल मालूम नहीं है या फॉर्मूला बुकलेट पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए द टेबल्स आर टर्न्ड, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, तो इसकी वजह से ये करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर इसको जरा मैं साइड पे करता हूं, गिचफिश हो रहा है, इसको भी साइड पे कर देते। अच्छा जी, अब आ जाएं इस पे। अब ये आपका हो गया x square ln x over 2, ये x cancel हो गया, and that is x over 2 dx, ठीक है, पहले simplify करें, no hurry, x square ln x over 2 minus x square over 4, पहले 2 मौजूद है, एक और 2 आएगा, plus, ये हो गई तीसरी worked example। अब आ जाएं चौथी worked example पे, worked example 4, that is ln x all alone by itself। अब मैंने शुरू में कहा था कि यहां पे product होना जरूरी है, तो अगर मैं यहां 1 लिख दूं तो कोई नाराज तो नहीं होगा, 1 into ln x is ln x, not a big deal, ठीक है, चले लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब आप किसको ln x लेंगे, किसको आप u लेंगे, किसको dv लेंगे, that is yet to be determined। रूल वही है, और यहां पे मैं अपना रूल अभी बताऊंगा कि रूल क्या है, कि u is equal to ln x, dv is equals to 1 dx। फिर से सुनिएगा, समझिएगा, हजम कीजिएगा, जिसको u लिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको dv लिया उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो देयरफॉर आपने लिखा du is 1 over x dx and v is equals to x dx, सही है? तो 1 लिखना जरूरी था क्योंकि बगैर प्रोडक्ट के काम हो ही नहीं सकता था। नाउ फॉलो द एरोस, ये आपके एरोस हैं, ये u है, ये u है विद एन इंटीग्रल साइन। सो देयरफॉर दिस इज x ln x माइनस इंटीग्रल, और अंदर क्या आएगा, x 1 over x dx, दिस इज x ln x माइनस 1 dx, दिस इज x ln x माइनस x प्लस c। यहां पे ये ln के जो दोनों चीजें मैंने समझाई हैं, दोनों एग्जांपल मैंने समझाए हैं, इसको जरा एक्नॉलेज कर दें,
इज इट ऑल क्लियर. अब यहाँ पे वो रूल जो है वो आने वाला है कि क्या रूल हमें समझ में आता है, इससे क्या पैटर्न समझ में आता है. दैट इज सून गोना कम. अच्छा जी, तो हमने चार एग्जांपल्स की है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की. पहली एग्जांपल में एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल था, दूसरी एग्जांपल के अंदर एलजेब्रा ट्रिक था, तीसरी एग्जांपल में एलजेब्रा और एलएन था, चौथी एग्जांपल में एलएन ऑल अलोन था. तो रूल ये कहता है कि आप इस्तेमाल करेंगे रूल एल एंड देन ए एंड देन टी एंड देन ई. ठीक है, ये रूल है लेट. एल फॉर लॉग, ठीक है, यहां मैं नीचे लिखता जाता हूं. एल जो है वो लॉग के लिए है, यानी नेचुरल लॉग. ए एलजेब्रा के लिए है. टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और ई एक्सपोनेंशियल के लिए. इंग्लिश में लिखा गया है, देयरफॉर द ऑर्डर दैट इट विल गो विल बी लाइक दिस. इस ऑर्डर में हम जाएंगे. अगर लॉग और एलजेब्रा का सवाल आएगा, तो यू एस लॉग. अगर एलजेब्रा ट्रिक का आएगा, यू एस एलजेब्रा. अगर एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल का सवाल आएगा, यू एस एलजेब्रा. अगर ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल का सवाल आएगा, यू एस ट्रिग. लेकिन यहां पे बाद में थोड़ी देर में एक बात मैं और बताऊंगा. ये हो गई चार एग्जाम्पल. अब आ जाए पांचवी एग्जाम्पल. व्हाट इफ द पावर ऑफ एक्स इज समथिंग लाइक दिस. वर्क एग्जाम्पल 5. और अब सिनेरियो ये है कि आपके पास है समथिंग लाइक एक्स स्क्वेयर ई 3x dx. अब मैंने दो काम किए. एक तो e की पावर मैंने बढ़ा दी, 1 के अलावा 3 कर दी, यानी कोफिशिएंट उसका 3 कर दिया और x की जगह x स्क्वायर कर दी. तो पहला काम यह है कि मैं लिखूंगा u is equals to x square, dv is equals to e to the power 3x dx. जिसको u लिया उसको डिफरेंशिएट करें, जिसको dv लिया उसको इंटीग्रेट करें. Follow the arrows. Therefore, this is x square e 3x 1/3 double check karein minus integral 2/3 x e 3x dx. Ye ho gaya pehla part. Ab aap observe kar rahe hain ki ye wala jo bracket hai, ye itna color saaf nahi aa raha. ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर स्टिल अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट. ठीक है, तो दैट मींस यू हैव टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन. ठीक है, तो 2/3 चले बाहर निकाल लेते हैं. दिस इज 1/3, दिस इज एक्स स्क्वेयर, दिस इज ई 3x माइनस 2/3 एक्स ई 3x dx. और यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. U is equals to x, du is equals to 1 dx, dv is equals to e 3x dx, v is equals to 1/3 e 3x. अच्छा, आपके जहन में एक आध सवाल आया होगा. लेट मी फिनिश इट और फिर मैं उसका जवाब देता हूं. सो नाउ द वर्किंग इज 1/3 x स्क्वायर e 3x माइनस 2/3 अपनी जगह पे, एंड दिस इज x e 3x ओवर 3 माइनस इंटीग्रल 1/3 e 3x dx. पहले एक मरतबा डबल चेक कर ले, कोई चीज मैंने मिस आउट तो नहीं की है. आराम से चेक करें. जो आपके जहन में सवाल आया होगा वो सवाल ये है कि क्या 2/3 को बाहर निकालना जरूरी था. द आंसर इज नो. इट्स अ सिंपल नो, एब्सोल्युटली नो. इट्स नॉट जरूरी, लेकिन बेहतर है कि यू ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर द इनसाइट. अब इसके बाद आप जो है वो इसको ओपन अप करेंगे. ओपन अप कैसे करेंगे, ये हो गया 1/3 x square e 3x
माइनस टू ओवर नाइन एक्स ई थ्री एक्स, ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया टू ओवर नाइन, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो फिर से हो गई वन थर्ड ई थ्री एक्स प्लस सी. Therefore, the answer is one third x square e 3x minus 2 over 9 x e 3x plus 2 over 27 e raised to power of 3x plus. अगर ये question limits वाला होता तो आप क्या करते, आप e 3x को common लेते और उसके बाद limits डालते. So use common sense to take common. ये हो गई पांच examples. अच्छा जी, अब आते हैं छठी example पे. ठीक है, सो नाउ द सिक्स्थ एग्जांपल दैट इज के व्हाट इफ, लेट मी चूज अ नाइस कलर, मुझे बोर हो गया हूं इससे. अच्छा जी, द सिक्स्थ एग्जांपल दैट इज के व्हाट इफ द क्वेश्चन इज अबाउट ई एक्स साइन एक्स डी एक्स. अब यहां पर दोनों के अपने मसले मसाइल हैं. ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस कॉस एक्स. दे आर नॉट फेडिंग अवे, तो वो जो हम कहते हैं कि वो फेड अवे होने वाला इशू है, so that is not applicable over here. वो applicable नहीं है. There are two options. Choose any one to be you. अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि ये late है, L-A-T-E. मगर ये वाला late जो है ये spelling उल्टी भी हो सकती है. ये L यू भी हो सकता है और A यू भी हो सकता है और E यू भी हो सकता है और T यू भी हो सकता है. तो ये जो E और T है ये जगह बदल सकते हैं, doesn't make a difference. ठीक है, तो यहां पर let's try कि कितनी जगह बदल सकते. Let me take, I'll do it both ways. U is equals to EX and DV is equals to sin X DX. और अगले पेज में मैं यही क्वेश्चन करूंगा. Work example 6 again. और ये है ई एक्स साइन एक्स डी एक्स. दिस टाइम यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डीवी इज इक्वल्स टू ई एक्स डी एक्स. सो आई विल प्रूव माय पॉइंट. यहां पर आप स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे डी यू इज ई एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन एक्स, फॉलो द एरोस. सो देयरफॉर क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस एक्स कोसाइन एक्स, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, ये यहां पे इक्वल साइन है, ये चल रहा है. यहां पर तो फिर से मसला आ गया. अगेन जब तक प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन आपको करना पड़ेगा. अब फिर से आप लिखें, जिसको एक मरतबा यू लिया उसी को यू लेंगे यानी कि एक्सपोनेंशियल, जिसको डीवी लिया यानी कि ट्रिक उसी को डीवी लेंगे. यहां पे हो गया डी यू एस ई एक्स डी एक्स, वी इज इक्वल्स टू कॉस का इंटीग्रल जो है वो क्या है साइन एक्स, फॉलो द एरोस. क्या बन गया, ये बन गया माइनस इक्वल साइन है माइनस ई एक्स कॉस एक्स, प्लस ये जो पूरी चीज है जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं ये वाली, ये इधर आ रही है. ठीक है, क्या आ रही है, ये यहां पे आ रहा है ई एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स साइन एक्स डी एक्स. पॉज हियर फॉर अ सेकेंड, विल इट गो टिल इंफिनिटी, ये जिंदगी भर चलता रहेगा? द आंसर इज नो, इट वॉन्ट गो टिल इंफिनिटी. व्हाट यू विल डू इज दैट इस चीज को let's denote it by a constant ya koi bhi symbol, constant is not the right word, symbol m. to ye jo do step ke baad aayega ye bhi m hi hai. baat samajh mein aayi, main phir se likh raha hu, m is equal to minus ex
कोसाइन एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स और माइनस इंटीग्रल के बाद जो चीज लिखी हुई है दैट इज एम। ठीक है, तो ये जो आपका एम दो मर्तबा आया है, दिस एम एंड दिस एम आर द सेम एंड योर पर्पस इज, योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड इवैल्यूएट एम, इसका एक्सप्रेशन निकाले, इसकी लिमिट्स निकाले, इसके लिमिट्स डाल के आंसर निकाले। सो इन अदर वर्ड्स 2m इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स, देयरफॉर मेक m द सब्जेक्ट दैट इज हाफ माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स प्लस c आखिर में लिख ले और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर ले, हाफ लिखे ई एक्स कॉमन ले ले, साइन एक्स को पहले लिख ले, माइनस कॉस एक्स को बाद में लिख ले प्लस। ठीक है, ये वाला जरा सा एक्नॉलेज कर दे बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी। ठीक है, मुझे भी अपने ए लेवल्स के जमाने में सबसे मुश्किल यही लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किल लगने का फायदा ये हुआ कि अब आसान लगने लगा है। जी ठीक है जी, एक्नॉलेज करें, लोग इंडिविजुअली भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, ग्रुप वाले ग्रुप पे एक्नॉलेज करें, बस टेक मार्क लगाते लाए, इतना लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं लिखे, एक्नॉलेज सही है, सिर्फ मुझे देखना है कि सारा कुछ सही है कि नहीं। अच्छा जी, किसी ने सवाल पूछा है, यहां से वापस बता दे, वापस की जगह फिर से होता है। अच्छा जी सुनते जाएं, ये जो है ये प्लस के बाद ये हिस्सा ये है, ठीक है, गिचपिच है थोड़ा सा और वो उसमें बहुत साफ सुथरा करने भी कोशिश करते हैं लेकिन गिचपिच हो जाता है। यूएस ई एक्स dv is cos x, ये सिंप्लीफाई किया ये आया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये हिस्सा यहां लिख, दिस इज दिस। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसने भी सवाल किया है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो चलता ही रहेगा, फिर वापस दो स्टेप होंगे, फिर यहीं पे आके फंसेंगे, सो दिस एंडलेस स्टोरी हैज टू एंड समवे, इट वोंट गो टिल इंफिनिटी। तो ये वाली जो चीज है इसको हमने डिनोट किया m, तो ये सिंप्लीफाई होके m आ गया, इस m को सब्जेक्ट बना ले, यहां भी m है यहां भी m है, ये कैंसिल ऑफ नहीं हो रहा, ये 2m हो गया, 2m is everything else, therefore make m the subject divided by 2। ठीक है, आप एक्नॉलेज कर दें, जिनसे हो गया वो एक्नॉलेज। मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूं। अच्छा ठीक है जी, और आज का ये आखिरी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, वही एग्जाम्पल ट्विस्टेड। ठीक है, तो इसको जरा मैं चीजें इधर ले आऊं और इसको जरा सा मैं और साफ करने की कोशिश करता हूं, लेट मी रीसाइज इट। ठीक है, और ये जरा यहां से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी मैं लाइनें जरा सी बना दूं ताकि थिंग्स आर इन द राइट पर्सपेक्टिव। ये एक एक मिनट रुकिएगा, ये पहला है और ये एक दूसरा। ठीक है, और फिर हम लोग यहां देखते हैं चीजों को कैसे लेके जाते हैं, और यहां पर भी एक लाइन बना देते हैं ताकि आपको एग्जाम की भी आदत हो जाए, और ये चीज यहां पे कर, थोड़ी सी लाइन में इधर और कर दो और थोड़ा सा इरेजर जो है इसे, 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 इसे यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले हम लोग ये करते हैं, इसको करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर, u is equals to sin x, du is equals to cosine x, dx sin का डेरिवेटिव cos और ex का इंटीग्रल इज ex। ठीक है, और उसके बाद वही रूल है, फॉलो द एरोस। अच्छा जी, अब जब हम एरोस फॉलो करते हैं इट्स गोना गो लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने अभी किया, पहला स्टेप इज रिटन इन व्हाइट, दिस इज इक्वल टू, छोटा सा मार्कर कर देता हूं, ई एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स कोसाइन एक्स डी एक्स, ये पहला स्टेप हो। अच्छा जी, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन से जरा मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाली जो चीज है ये इधर आएगी, ठीक है, ये इधर आएगी,
जो अब मैं करने वाला हूं. सो नाउ यू इज इक्वल्स टू कोसाइन एक्स एंड डी वी इज इक्वल्स टू ई एक्स डी एक्स. डी यू इज माइनस साइन एक्स डी एक्स. वी इज ई एक्स. फॉलो द एरोस. तो ये अब क्या हो जाएगा, अब जो ग्रीन है वो ग्रीन में मैं लिखूंगा. यहां पे माइनस का निशान, यहां पे बड़ा ब्रैकेट, दिस इज ई एक्स कोसाइन एक्स. ठीक है, देखते जाएं, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स. अच्छा जी, और उससे पहले जो व्हाइट में था तो मैं जरा कलर कोडिंग अच्छी कर दूं. दिस इज ई एक्स साइन एक्स एंड एन इक्वल साइन एट द फ्रंट. अच्छा जी, यहां पर जो है वो ये है कि ई एक्स साइन एक्स, इससे हमने स्टार्ट किया एग्जैक्टली दो स्टेप के बाद. अब हम लोग यहां पहुंच गए कि वॉट एवर दैट वी हैव स्टार्टेड विथ, वी आर अप्रोचिंग एग्जैक्टली दैट सेम थिंग ओवर हियर. ठीक है, तो यहां पर जो है आपने स्टार्ट किया एम के साथ, ये वाला हिस्सा जो था ये इसका नाम रख दे एम. तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी एम हो गया. फिर से लिखे, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग अगेन एंड अगेन. एम इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ये माइनस के साथ जब खुलेगा तो यहां माइनस एम आएगा. ठीक है, एक हिस्सा वाइट वाला है, दैट इज ई एक्स साइन एक्स, माइनस एक हिस्सा ग्रीन वाला है, दैट इज ई एक्स कॉस एक्स. सो फार सो गुड. अच्छा जी, अब एम को उधर लेके चले जाएं. सो टू एम इज इक्वल टू, अब मैं सारा एक ही कलर में लिख रहा हूं. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज अचीव, साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, देयरफॉर मेक एम द सब्जेक्ट, दैट इज हाफ ई एक्स साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स प्लस सी. डबल चेक करें, दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है. दैट मींस वेदर यू स्पेल इट एल ए टी ई फॉर बाईपार्ट्स, दैट्स आल्सो करेक्ट. वेदर यू स्पेल इट एल ए ई टी, दैट इज आल्सो करेक्ट. अच्छा जी, दैट फिनिशेस आवर फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास. कह लें ओरिएंटेशन में ही हमने माशाल्लाह सिलेबस का सबसे तगड़ा हिस्सा स्टार्ट किया इंटीग्रेशन, और उसकी कहानी हम लोग आगे लेके बढ़े. एंड दैट्स द वे दैट वी आर गोना डू इट. फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं क्वेश्चंस बताते जाऊंगा. लेट मी टेक वन मोर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें से जरा सा मैं क्वेश्चंस और करा दूं, फिर आप आराम से इसके पास पे क्वेश्चंस कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.